बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, यह हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहले खबर सामने आ रही है वो है रश्मि देसाई को लेकर। जी हाँ, रश्मि देसाई को इस फैमिली वीक में एक खास तोहफा मिलने वाला है। दरअसल इस हफ्ते फैमिली वीक में रश्मि देसाई से उनके कजन नहीं बल्कि उनके भाई के बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं और रश्मि देसाई उनसे मिलकर काफी खुश नजर आने वाली है। वो उन्हें देखकर उछल पड़ती हैं। नंबर 2, बिग बॉस के इस हफ्ते में चल रहा है फैमिली वीक, और वो फैमिली वीक सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। वो फैमिली वीक चलेगा पूरे हफ्ते, जहां पर घर में मौजूद सभी 10 के 10 सदस्यों के परिवार वाले मिलने के लिए उनसे बिग बॉस के घर में आने वाले हैं और घर वालों से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही साथ परिवार के बाकी लोगों से भी मिलेंगे और अपने फैमिली मेंबर को उनकी गेम के लिए अप्रिशिएट करेंगे और गेम के लिए मोटिवेट भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच में जो भी प्यार मोहब्बत दोस्ती नजर आ रही है उसके ऊपर अब हिमांशु खुराना का रिएक्शन सामने आया है। हिमांशु ने कहा कि जब मैं घर के अंदर थी तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मेरे और आसिम को लेकर ऐसा दिखाया गया था कि जैसे कि आसिम ने मुझे किस किया फिर करने की कोशिश की, जबकि वो सिर्फ झुका था। वो सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है। नंबर 4, पारस छाबड़ा शहनाज गिल के पिता पर भड़क उठे हैं। जी हाँ, जब शहनाज गिल के पिता की घर में एंट्री हुई तो उन्होंने पारस छाबड़ा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जेलस वर्ड तू लेकर आया है। पहले माहिरा को लेकर शहनाज को कहता था और अब शहनाज को लेकर माहिरा को कहता है। शहनाज के पिता के जाने के बाद माहिरा शर्मा से बात करते हुए पारस छाबड़ा ने कहा, जब शहनाज का पिता इस तरीके से बात कर रहा था ना तो मुझे उस पे वाकई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। नंबर 5, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शाम 7 बजे तक घर वालों के मिले वोट्स के बेसिस पर कौन है टॉप पर और कौन है बॉटम में। तो आपको बता दें कि दर्शकों के सबसे ज्यादा वोट्स मिलने के बाद नंबर 1 पर है सिद्धार्थ शुक्ला, नंबर 2 पर है आसिम रियाज, नंबर 3 पर है रश्मि देसाई, नंबर 4 पर है शहनाज गिल, नंबर 5 पर है पारस छाबड़ा, नंबर 6 पर है विशाल आदित्य सिंह, नंबर 7 पर है शफाली जरीवाला, नंबर 8 पर है आरती सिंह, नंबर 9 पर है माहिरा शर्मा और नंबर 10 पर है मधुरिमा तुली। तो इस तरीके से बॉटम 2 में है माहिरा शर्मा और मधुरिमा तुली। तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को घर में बनाए रखने के लिए लगातार उन्हें वोट करते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा आपको वो भी खबरें पता चलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, फिर चाहे वो सीजन के कंटेस्टेंट से जुड़ी हो, चाहे वीकेंड का वार की लाइव अपडेट्स हो या फिर मेकर से जुड़ी कुछ और खबरें। आपको ये सारी खबरें इन टॉप 5 न्यूज़ में रात 8 बजे हर रोज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से इन टॉप 5 खबरों के लिए, हाइलाइट्स के लिए और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।